था। प्लीज वेलकम बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल वन एंड ओनली हेमा मालिनी जी, ऐशा देओल। आप सबको पता है हेमा जी ने अपनी दोनों बेटियों के नाम बड़े खूबसूरत रखे हैं, ऐशा और अहाना। ऐशा ने भी अपनी दोनों बेटियों के नाम बड़े प्यारे रखे हैं, राध्या और मिराया। अच्छा बच्चे दो हो ना तो इंसान सोच समझ के टाइम लेके नाम रखता है। जैसे पहले के जमाने में हमारी नानी दादी को तो 7-8 बच्चे होते थे। जैसे एक का राजपाल रख दिया, दूसरे का रामपाल, फिर सतपाल, फिर सूरजपाल, फिर धर्मपाल, फिर गोपाल, फिर रामपाल, फिर माँ इतना परेशान हो जाती थी बाप को दे तू ही पाल। हेमा जी शादी के बाद आपने कभी पंजाबी डिश ने ट्राई की, परांठे जो बड़े बड़े होते हैं थाली में ऐसे ही आते हैं? बिकॉज धर्म जी जिस कल्चर से आए पंजाब से, मतलब पराठे तो मतलब हमारे साथ ही जाते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ आते हैं तो ही लव्स टू हैव इडली सांबार। वो तो आपके प्यार में खा जाते हैं हेमा जी, अदरवाइज पंजाबी आदमी को। ऐशा एक अफवाह ये है कि जब आप बिजी होती है तो आपकी एक फ्रेंड आपकी आवाज निकाल के फोन पे बात करके भरत को फोन कर देती है। मेरी एक फ्रेंड है जो बिल्कुल मेरे जैसे साउंड करती है, तो मैं कभी कभी बोर हो जाती थी तो वो कंटिन्यू करती थी बातें करना। आई कांट टॉक फॉर मोर देन 2 मिनट्स एंड मामा और मैं इस मामले में एकदम सेम है, लाइक जल्दी जल्दी बात करके हैंग अप करो। और इनफैक्ट मॉम का एक स्टोरी है जहाँ पे मम्मी बात कर रहे थे पापा से और बात कर रहे थे और अचानक पापा को फोन में मम्मी के खराटे सुनाई दिए। नहीं नहीं मैं देखिए क्या हुआ था, आई वॉज वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू नो पूरा रात भर शूटिंग थी, सो आई थिंक आई वॉज टू टायर्ड, सो प्यार भरी बातें भी एक सर्टन लिमिट तक अच्छा लगता है ना।